हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कमल एसोसिएट पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ 3 BHK का लग्जीरियस फ्लैट जो कि नियर बाय उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन रहने वाला है। काफी लग्जीरियस प्रॉपर्टी है हमारी रहने वाली है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको दिखाती हूँ अपने फ्लैट का ओवरव्यू। अभी हम आगे अपने फ्लैट के अंदर एल टाइप की प्रॉपर्टी रहने वाली है, 100 गज की प्रॉपर्टी रहने वाली है। काफी स्पेशियस इसके रूम साइजेस रहने वाले हैं। सारे रूमों में आपको वेंटिलेशन मिल जाती है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं अपने लिविंग एरिया में। के बाद भी आप देख सकते हैं कितना स्पेस हमारे यहाँ बच रहा है। इसी के साथ अगर बैक वॉल की बात करूं तो सारा वुडन वर्क का काम हमने यहाँ पे कराया हुआ है। यहाँ पे आपको मंदिर का प्रोविजन भी मिल जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं आपको टीवी पैनल भी यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इसके जो ड्रॉर्स रहने वाले हैं काफी स्पेशियस डिसेंटली आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग मिल जाती है। इसी के सामने हमारी ओपन किचन रहने वाली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन। देख सकते हैं एल टाइप की स्पेशियस किचन आपको यहाँ पर मिल जाती है। चिमनी हम आपको इंस्टॉल करके देख रहे हैं। ये जो ड्रॉट्स रहने वाले हैं काफी ही स्पेशियस आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको आरओ का प्रोविजन भी मिल जाता है। अगर आप बात करें हमारी फॉल सीलिंग की, तो यहाँ पे आपको डिसेंट सी फॉल सीलिंग मिल जाती है। और आप देख सकते हैं किचन के यहाँ पे हमने वुडन वर्क का काम कराया हुआ है। यहाँ पे आप अपने डेकोरेटिव आइटम भी इजिली प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा रहने वाला है कॉमन वॉशरूम, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना कॉमन वॉशरूम। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस हमारा वॉशरूम रहने वाला है। वॉल्स टू वॉल सारा टाइल्स का काम किया हुआ है। एंटी स्किड टाइल्स हमने यूज कर रखी है। सारी आपको ब्रांडेड फिटिंग मिल जाती है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। 6x6 का बेड प्लेस होने के बाद भी देख सकते हैं आप कितना स्पेस बच रहा है। अगर मैं बैक वॉल की बात करूं तो सारा वुडन वर्क का काम आपको यहां पर मिल जाता है। इसी के साथ आपको ये अलमीरा का प्रोविजन भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितनी स्पेशियस अलमीरा रहने वाली है। बोथ साइड आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। इसी के साथ हमने आपको यहाँ पर टीवी पैनल का भी प्रोविजन दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ अपनी फॉल सीलिंग की, तो बहुत ही डिसेंट सी आपको यहाँ पर फॉल सीलिंग मिल जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक रूम में हमने वेंटिलेशन का ध्यान रखा हुआ है, तो यहाँ वेंटिलेशन के लिए हमने आपको विंडो का प्रोविजन दे रखा है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम आप देख सकते हैं कितना ही स्पेशियस ये हमारा बेडरूम रहने वाला है। 6x6 का बेड प्लेस होने के बाद भी कितना स्पेस हमारा यहाँ बच रहा है। अगर मैं बात करूँ अपने टीवी पैनल की, तो आप देख ही सकते हैं कि आपको कितना स्पेशियस यहाँ पर टीवी पैनल मिल जाता है। यहाँ पे आप इजीली अपनी डेकोरेटिव आइटम प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर भी इस रूम में भी अलमीरा का प्रोविजन मिल जाता है। काफी स्पेशियस हमारी अलमीरा रहने वाली है। और आप देख सकते हैं इसके साथ हमने वुडन वर्क का काम भी कराया हुआ है। यहाँ पर आप यहाँ इजीली अपने डेकोरेटिव आइटम प्लेस कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ हमने वर्क करा रखा है। यहाँ पर आप इजीली अपने डेकोरेटिव आइटम प्लेस कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा रहने वाला है अटैच वॉशरूम।
देख सकते हैं कितना स्पेशियस हमारा वॉशरूम रहने वाला है। वॉल्स टू वॉल सारा टाइल्स का काम किया हुआ है, एंटी स्किड टाइल्स यूज की हुई है यहाँ पर हमने, सारा आपको ब्रांडेड फिटिंग मिल जाती है। और इस रूम के साथ हमारी अटैच बालकनी भी रहने वाली है, जो बालकनी हमारी दोनों रूमों से अटैच रहने वाली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बालकनी। आपको यहाँ पर मिल जाती है एल टाइप की बालकनी, काफी स्पेशियस हमारी बालकनी रहने वाली है। यहाँ पर इजीली आप अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं, टैप का आपको प्रोविजन मिल जाता है। ये बालकनी हमारे दोनों रूमों से अटैच रहने वाली है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस ये हमारा बेडरूम रहने वाला है। 6x6 का बेड प्लेस होने के बाद भी कितना स्पेस हमारा यहाँ बच रहा है। अगर मैं बात करूँ अपने टीवी पैनल की, तो आप देख ही सकते हैं कितना स्पेशियस आपको टीवी पैनल मिल जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर भी आपको ड्रेसिंग टेबल का प्रोविजन मिल जाता है, एसी का प्रोविजन यहाँ पर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ अपनी फॉल सीलिंग की, तो आप देख ही सकते हैं कितनी डिसेंट सी फॉल सीलिंग रहने वाली है। अगर मैं बात करूं अलमीरा की, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर भी आपको अलमीरा का प्रोविजन मिल जाता है। और यहाँ पर हमने स्टडी टेबल का भी प्रोविजन दे रखा है, यहाँ पे आप अपना ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने हर एक रूम में वेंटिलेशन का ध्यान रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको विंडो का प्रोविजन भी मिल जाता है। काफी लग्जीरियस प्रॉपर्टी रहने वाली है, काफी स्पेशियस ये हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है। 100 गज का प्रोजेक्ट रहने वाला है, एल टाइप की प्रॉपर्टी रहने वाली है। 90% इस पे लोन अवेलेबल है। नियर बाय मेट्रो स्टेशन रहने वाली है, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से वॉकिंग का डिस्टेंस रहने वाला है। तो अगर आप इस फ्लैट की पूरी डिटेल्स को जानना चाहते हो, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी आइए, साइट को विजिट कीजिए। धन्यवाद।